नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। बता दें कि हाजीपुर सीट के चुनाव को लेकर जो है सत्ता के गलियारों में लगातार बातें उठ रही हैं कि आखिर हाजीपुर से सीट लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, कि चाचा लड़ेंगे या फिर भतीजे लड़ेंगे। इन दोनों में आपसी विवाद भी देखने को मिल रहा है और लगातार टकराव भी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब लेकिन आपको बता दें कि आरएलजेपी के अध्यक्ष यानी पशुपति पारस ने बड़ा दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर सीट हमारी है, उस पर अब चाहे कोई भी आ जाए लेकिन हम हाजीपुर की अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। हम चुनाव लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। बता दें कि चिराग पासवान भी एक तरफ दावा ठोकते नजर आए और उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता ये चाहती है कि हम चुनाव हाजीपुर से लड़ें। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अब पशुपति पारस ने सीधे खुली चुनौती दे डाली है चिराग पासवान को और कहा है कि ये सीट हमारी है और इसमें हम 100% का दावा ठोकते हैं कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि जो भी लोग ऐसे वादे कर रहे हैं और दावे ठोक रहे हैं कि हाजीपुर सीट उनकी है, तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हाजीपुर के सांसद हम हैं, हाजीपुर का कर्मभूमि रही है हमारी और इस कर्मभूमि के लिए हम हमेशा से काम करते आए हैं। और जहां तक बात लोकसभा चुनाव की रही है तो हम यहीं से सीट चुनाव लड़ेंगे भी और जीत भी हासिल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान पर सीधा उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से अभी चिराग पासवान जो है NDA में जाकर मिल गए हैं, तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि ये सब एक बरसाती मेंढक है जो फुदक फुदक कर समय समय पर निकलते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि NDA का सबसे कोई विश्वासी नेता रहा है तो वो मैं रहा हूँ और मैं ही इस चुनाव पर इसका हकदार हूँ। और चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं तो वो जमुई में जाकर वहाँ से चुनाव लड़ें, वहाँ अपनी सेवा दें, लेकिन ये सीट हमारी है। लेकिन यही आपको बता दें कि चिराग पासवान भी लगातार इस पर तंज कसते नजर आए और बयान देते नजर आए हैं कि हाजीपुर की जनता ये चाहती है कि चुनाव वहाँ से लड़ें। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हाजीपुर से हम सीट लड़ते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। ये टकराव जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से चिराग पासवान NDA में शामिल हुए हैं, ये खबरें लगातार उठ रही थी कि आखिर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, क्या वो जमुई से लड़ेंगे या फिर वो हाजीपुर से सीट लड़ेंगे। लेकिन अब बता दें कि अब उनके चाचा यानी पशुपति पारस ने सीधा दावा ठोक दिया है और ये गारंटी दे दी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, काम यहाँ के लिए हम करें और यहाँ का खाना खा के कोई और जाए। ये बयान आपको बता दें कि पशुपति पारस ने सीधा चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है और चिराग पासवान को उन्होंने एक बरसाती मेंढक बताया है और कहा है कि अभी ये फुदक रहे हैं लेकिन एक वक्त आएगा जो इन्हें भी निकाल फेंका जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।